उषा के पकवान में आपका स्वागत है। आइए आज आपको एक बहुत अच्छा डिश बना के बताते हैं। आटे की पकौड़ी बनाएंगे हम। आप देखिए, ये आटा है, इस कप से जो है 2 कप है आटा है। ये मेरे ख्याल से आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। ये काली मिर्च कुटी हुई, ये कलौंजी है थोड़ी सी, और ये अजवाइन है थोड़ा सा। ये नमक स्वाद अनुसार आप डालें, ये वैसे 1 स्पून है, फिलहाल कम होगा तो हम और डाल देंगे, कम है। ये 4 प्याज, 4 प्याज छोटे बड़े मिला के हैं। इसको इसमें अभी काटते हुए हम दिखाएंगे आपको तो कैसे काटा जाता है। तो ये जैसे आमलेट में डालते हैं आप लोग, ये ऐसे करके ऐसे इस तरीके से गोल गोल कटता है, ये छोटा छोटा इसमें पड़ने के लिए ये ऐसे बिल्कुल बनता है। इसका हम लोगों की तरफ नूनबरिया बोलते हैं इसको। और आप आटे की पकौड़ी नहीं पता है तो क्या बोला जाता है, नहीं पता है तो आटे की पकौड़ी बोलिए, वैसे नूनबरिया बोलते हैं हम लोगों की तरफ। ये फेटा बहुत जाता है तो खूब अच्छे से फेंट लीजिए, गोल गोल करके कर दीजिए। अभी आटा आपको वो करके दिखा रहे हैं फेंट के। तो प्याज ऐसे पड़ता है, काट दे रहे हैं ऐसे। अब इतने आटे में 4 प्याज तो पड़ना ही चाहिए। ये प्याज कट गया है, 1 बाउल प्याज हुआ है। छोटा छोटा 4 लीजिए, बड़ा 3 ही लीजिए। देखिए हम फेंटते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसमें कम से कम 2 गिलास से ऊपर पानी पड़ जाएगा। इसको फेटना बहुत पड़ता है, जितना आप फेटेंगे उतनी अच्छी पकौड़ी बनेंगी। देखिए फेट गया है, अभी से हम फेट रहे हैं इसको। ये आटा आपके घर में है और हमारे ख्याल से 5 मिनट तो आप फेटिए ही फेंटिए खूब अच्छे से तरीके से। आटा भी आपके घर में है, प्याज भी है, ये है अजवाइन, इसको डाल दीजिए थोड़ा। अगर आपके यहाँ आलू खाया जाता है तो 1 आलू भी ऐसे ही छोटा छोटा चॉप करके डाल सकती हैं। आलू हमारे घर में नहीं कोई खाता। ये काली मिर्च है, ये अजवाइन है, ये वो है कलौंजी, ये काली मिर्च है। काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। ये है नमक, ये नमक, ये है प्याज। अब सब चीज़ डाल दीजिए, पहले आटा करिए तो सब चीज़ डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक लीजिए, ये सब मिला लीजिए इसमें। ये सारा चीज़ घर में रहता है, आप इसको हर चीज़ से खा सकती हैं, चटनी से भी खाइए, चाहिए तो सॉस से खाइए, जिसको जिसको पसंद है जो चीज़ उससे खाइए। या नींबू का अचार आता है उससे तो बहुत ही अच्छा लगता है। नींबू का अचार, नमक पड़ा हुआ रहता है उसमें, मसाले नहीं पड़ते हैं, उससे खाइए बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम कढ़ाई चढ़ा के आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा। आइए गैस जला दें, आपको दिखाएं कैसे बना हुआ है। ये है लोहे की कढ़ाई, इसमें पकौड़ी हुई सब्जियां भी बहुत अच्छी बनती हैं, हम लोगों के यहाँ इसी में सब बनाई जाती है। नहीं है कोई बात नहीं है, आप किसी में भी बना सकती हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई गर्म हो गया है, देखिए तेज पे ही बनना है, धीमा नहीं करना, धीमा करने से पकौड़ियाँ सारी तेज सोख लेती हैं।
ये देखिए, ये आधी कटोरी हमने लिया है, जिस कटोरी से आटा लिया है उसी कटोरी से तेल लिया है। अब अगर इसमें 100 ग्राम करीब है ये, और अगर मान लीजिए पकौड़ी ज़्यादा है कम पड़े आप डाल सकती हैं, लेकिन इतने में हो जाना चाहिए। आपको कम बनाना है रेशियो थोड़ा थोड़ा कम करिए, 100 ग्राम आटे का बनाइए, बहुत थोड़ी थोड़ी आप चुटकियों से डाल दीजिए। ये देखिए हम इसको जब तक ये सब कर रहे थे 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट में खूब फेंट लिया हमने इसको। फेंटने के बाद ये थोड़ा सा फूल गया है और ढीला हो गया ये, इसको हाथ से डालना चाहिए, हाथ से डालिए, या आपका मन करे तो इससे डाल लीजिए, स्पून से डालिए, किसी चीज़ से भी डाल सकती हैं आप। इसको ऐसे पकड़ के एक बार ऐसे तेल करिए, थोड़ा दूरी बनाए रखिए, नहीं तो गैस बहुत पास में है हो जाएगा। तेल गर्म हो गया है, इसको आप सिम कर दीजिए एकदम, तभी डालिए, नहीं तो हाथ में वो करना पड़ेगा। देखिए हाथ से हम डाल रहे हैं तो गोल गोल पड़ेगा, तो भी डाल सकते हैं इसी तरीके का बनता है। आप बना के खाइए, जो भी इसमें चाहिए, अगर आपको कोई परहेज आलू का नहीं है तो एक आलू भी काट सकती हैं इसमें आप, आलू प्याज दोनों छोटा छोटा गोल गोल, एक बार में कितने पड़ जाएंगे। यहाँ पे आए हुए थे उनके लिए बना था, बहुत पसंद आया उन लोगों को, ऐसा करते आप लोगों को भी पसंद आना चाहिए। और कोई नुकसान का चीज़ नहीं है, बेसन नहीं है, आटे का बना हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसको तेज़ कर दीजिए, देखिए गैस तेज़ कर दे रहे हैं, डालते समय धीमा कर दीजिए या तेज़ कर दीजिए। अभी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बस 2 मिनट रखिए, उसके बाद पलटना पड़ेगा इसको, बस 2 मिनट में हम दिखा रहे हैं। देखिए एक साइड में हो गया है, एक साइड में उलट देते हैं, ये देखिए उसको उलट देगा, बस उतना ही टाइम इधर भी लगेगा, उसका पकौड़ी तैयार है। ये मस्टर्ड ऑयल में हम बना रहे हैं, आप चाहे रिफाइंड में भी बना सकती हैं अगर आपको नहीं पसंद आता है। वैसे प्याज की पकौड़ियाँ जो हैं मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये हम मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं, रिफाइंड में भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें आपका मन हो। ये आपको बता रहे हैं, तो 1 मिनट का और टाइम है, गैस सिम कर दीजिए, हो गया है, निकाल के दिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहें आप थोड़ा बड़ा बना लीजिए, अच्छा हुआ, एकदम धीमा कर दिया है, इसमें फिर से डाल दे रहे हैं, इतनी बार करिए देखिएगा उतना ही अच्छा बनेगा। डालिए धीमे से ही, क्योंकि तेज आंच रहता है, जलने का डर है। सब हो जाता है तो हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाना। तैयार हो गया है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलें। पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।